बीजेपी संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद को चिलुपार सीट से पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रजवारिया और आप देख रहे हैं गोरखपुर दस्तक। आगामी विधानसभा चुनाव होते ही टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। दल बदल खेल के साथ ही टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार असमंजस बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टिकट फाइनल होते ही जहां नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल चुनावी मैदान में बीजेपी से थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट को लेकर एक खींचतान जारी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अपने बेटे सरवन निषाद जहां गोरखपुर ग्रामीण सीट से टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पंडितों का दावा है कि बीजेपी उन्हें इस बार भी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर हरिशंकर तिवारी के खिलाफ मैदान में खड़ा करेगी। यानी कि बीजेपी संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद को चिलुपार सीट से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। दरअसल इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर सीट से, हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी जिनको कुशल तिवारी के नाम से भी जानते हैं लोग, उनके खिलाफ मैदान में उतारा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार कई बार से सांसद कुशल तिवारी को निषाद पार्टी के वोट बैंक के सामने हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस बार की जो चिलुपार की सीट है उसको बचाने के लिए बीजेपी फिर से वही पासा फेंक सकती है, यानी कि निषाद पार्टी को ही तिवारी परिवार के सामने लड़ा सकती है, क्योंकि सीट पर बसपा से विधायक रहे विनय शंकर तिवारी इस बार यहाँ से सपा के उम्मीदवार हैं। निषाद पार्टी से गठबंधन कर प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर सीट से मैदान में उतारा और प्रवीण हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी को चुनाव में हराकर सांसद चुने गए। हालांकि इस बीच अभी भी निषाद पार्टी का दावा है कि सरवन निषाद किसी भी हाल में गोरखपुर ग्रामीण सीट से ही विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे। निषाद पार्टी के उम्मीदवार सरवन निषाद ने भी ये बात कही है कि पार्टी का पूरा ये प्रयास रहेगा कि वो खुद ग्रामीण सीट से ही चुनाव लड़ें। हालांकि अब तक टिकट को लेकर असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आज की बात करें तो दिल्ली में बैठक आयोजित की गई इसके लिए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया। उनका भी यही कहना है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में निषाद पार्टी चिलुपार सीट से मुझे प्रत्याशी बनाती है तो इस पर विचार किया जाएगा।